नरेंद्र मोदी, 1 से 10 नंबर तक नरेंद्र मोदी, यही तो टारगेट। अच्छी बात है ना, किसी जमाने में ये नेहरू हुआ करते थे, ये इंदिरा गांधी हुआ करती थी। आज अगर हमारे पास जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा अगर चमत्कारिक नेतृत्व है तो हमारा सौभाग्य है, और इनका दुर्भाग्य को हम अपना जो है चिंता क्यों रखें कि इनके पास राहुल गांधी है। हम अपने सौभाग्य पर प्रसन्न होंगे। ये बात आपको संजय जी, ये बात विचलित करती है आपको? बिल्कुल करती है, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी से विचलित भारतीय जनता पार्टी रहती है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी। कॉमेडी पर निगाह रखनी चाहिए। बताइए, कॉमेडी तक तो बात ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा सचमुच बहुत तकलीफ होती है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा अब अपना आत्मालोचन करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति खड़ा होता और सीधे राहुल गांधी को बोलते, ये देशद्रोही हैं, इन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। जिस परिवार ने पूरे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिस राहुल गांधी की दादी 12 गोलियां खाकर शहीद हो गई, जिस राहुल गांधी के पिता बम से उड़ा करके चिथड़े चिथड़े हो गए, बम से उड़ा दिया लोगों ने, आतंकवादियों ने उनको, उनके पिता ने शहादत दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने अपना सब कुछ दे दिया देश की आजादी की लड़ाई में, नेहरू परिवार ने, उस व्यक्ति को, उस परिवार के एक व्यक्ति को आप कहते हैं कि ये देशद्रोही है, ये घृणास्पद है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए। तो आप इस देश के, आप इस देश के किसी चुने हुए सांसद को सिर्फ इस आधार पर कि उन्होंने लंदन में देश में डेमोक्रेसी अच्छे ढंग से नहीं चल रही है ये बात कही, इसलिए देशद्रोही घोषित कर दिया जाए? मुझे, मेरे मन में एक सवाल है। ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जी इसी मुद्दे को लेकर घूम रहे थे, गली गली गए, एक एक व्यक्ति से मिले, हर तरह के व्यक्ति से मिले कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, गरीब से मिले, कमजोर से मिले, मजदूर से मिले, किसान से मिले, अब दिल्ली तक, श्रीनगर तक आके बोले कि देश में लोकतंत्र, उसके 15 दिन बाद लंदन में जाके कैसे बोल सकते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आप बोलेंगे कमाल है, जब यहां थे तो लोकतंत्र खतरा में था और वहां तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ क्या? अटल जी, आडवाणी जी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती तब बाहर जाकर के क्या देश की राजनीति के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5-6 बार ऐसे बयान दिए हैं कि इससे पहले हिंदुस्तान में जो सरकारें काम किया करती थी वो हिंदुस्तान में गंदगी करती थी, मैं आ गया हूं सफाई करने। पहले आप लोग को लगता था कि पता नहीं कौन से देश में पैदा हो गए, बहुत शर्म आती है, कोई पाप किया था जो हिंदुस्तान में पैदा हो गए। मतलब 70 वर्षों तक जिन लोगों ने इस देश को चलाया, इस देश को संवारा, इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया, इस देश में संविधान का राज लाया, वो सब गलत थे। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साउथ कोरिया में, यूएस में, कनाडा में, हर जगह जाके बोलते, क्या ये देशद्रोह नहीं था? मेरा नहीं मानना ये देशद्रोह था। लोग जाते हैं बाहर तो ठीक है, अपने लोगों के बीच बैठ करके इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, और राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही रिएक्ट किया, इसके आधार पर क्या बोल रहे हैं ये देशद्रोही है? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब। मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है, और कांग्रेस ये मानती है कि आप लोग राहुल गांधी की छवि खराब करने की एक साजिश रच रहे हैं क्योंकि आपको इससे फायदा होता है। ठीक है, देखिए मुद्दे की बात ये है, ये बार बार जो करे भाई, आदरणीय अटल जी से लेके आदरणीय मोदी जी तक विदेश की धरती पर जाकर भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन का हस्तक्षेप कब मांगा था? राहुल गांधी जी ने कब मांगा था? मांगा ना, हस्तक्षेप नहीं मांगा, नहीं मांगा आपने, वही शब्द आप कहेंगे, आप शांत बैठे हुए शांति बढ़ो के हस्तक्षेप करें, मुद्दे नहीं है, बैठे सामने उनके साथ उनकी जनता की बात नहीं करना चाहते आप। वो आंख में, वो देखो बच्चा आपकी आंख में देख रहा है कि बीजेपी का प्रवक्ता भी बोलेगा महंगाई के ऊपर में, क्योंकि आप बोलना नहीं चाहते। वो देख रहा है कि आप बोलोगे उसके रोजगार के रूप में, आप बोलना नहीं चाहते। वो किसान का बच्चा देख रहा है कि मेरे पिताजी के बारे में बोलेंगे कि मेरे पिताजी की इनकम दुगनी हो जाए, आप बोलना नहीं चाहते। तो आप कहां चले गए कि कौन किस दल में था, किसके घर में क्या था, कौन क्या करता था? ये मुद्दा उनका नहीं है भाई, ये आपके दोनों का मुद्दा उनका नहीं है। बात बड़ी साफ सी है, राहुल गांधी विदेश में जाके कहें, पहली बात तो ये कि तानाशाही है या लोकतंत्र है या नहीं, यहाँ पे इस बात का पहला पैरामीटर है कि आप तानाशाह को अपने देश में कभी तानाशाह नहीं कह सकते। तानाशाही है तो आप बोल ही नहीं सकते, ये कह ही नहीं सकते कि आप तानाशाह है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोकतंत्र है, आप जितनी मर्जी उसको गाली दीजिए, उनकी जितनी मर्जी क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जब ये वो कहते हैं कि सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप ये सब अमेरिका और यूरोप चुप क्यों है? ये
भारत में अचानक अगर आपको लगे कि यूरोप में डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो आप क्या करेंगे? आपको शॉक लगेगा नहीं? और भारत में तो खत्म हो चुकी है और अभी तक आप चुप बैठे। व्हाट डज इट मीन? सुनिए सवाल, व्हाट डज इट मीन? सवाल इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं, पहली बात नहीं है ये, इसलिए ये है क्योंकि मणिशंकर अय्यर, एक सेकंड, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके कहते हैं कि हम तो हटा नहीं सकते, आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने में। सलमान खुर्शीद जाके कहते हैं, ये लगातार कांग्रेस भारतवर्ष की जनता से अब ये उम्मीद नहीं रखती कि भारतवर्ष की जनता नरेंद्र मोदी को हटाएगी, इसलिए विदेशों में जाकर के वो किसी भी तरीके से यहाँ की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई। संजय जी, दो लाइनें गले की फांस बनी, उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप सब कुछ देख कर भी चुप है, और उन्होंने कहा इसमें ये कहीं से गले की फांस नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं। ये क्यों कहने की जरूरत है? चुप ना रहे अमेरिका, उसको बोलना चाहिए, यही तो कह रही है, इसलिए कि वही तो कह रहे हैं वो, इंटरफेयर करें, ये कुछ करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। और क्या होता है? एक मिनट सर, एक मिनट, लोकतंत्र जो है ना, ये इस सदी के, ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा एक अरेंजमेंट है, सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था है और सबसे कामयाब राजनीतिक व्यवस्था है। और इस कामयाब राजनीतिक व्यवस्था में हिंदुस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, लगभग 16% आबादी हमारे पास है यहाँ पे, और यहाँ का लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट लोकतंत्र माना जाता है। और तब जब हिंदुस्तान का लोकतंत्र कहीं से भी थोड़े से भी खतरे में आएगा तो पूरी दुनिया को भारत की जनता करेगी ना उस लोकतंत्र की रक्षा। आज अमेरिका और यूरोप क्या करेंगे उसमें? भारत की जनता करेगी, एक सेकंड, रक्षा ये करेगी ना भारत की जनता? यूरोप को बोला ही नहीं इंटरफेयर करने के लिए, छोड़ो ना साहब, नहीं हमने कभी बोला ही नहीं अमेरिका यूरोप यहाँ पे, हमने कभी नहीं बोला, हम ये कह रहे हैं, नहीं बोला, ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं डिफेंडर्स ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। सर जी, ठीक है सर,